Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to your favorite YouTube channel, Educational Hikes. तो यार आज हम continue करने वाले हैं class 8 science and CRT का chapter number 13 sound. यार मैंने first part already upload कर दिया है. अगर आपने उस part को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर I button पे link मिल जाएगी, वहां click कर लो, या description में link मिल जाएगी, वहां से जाके हमारी video को देख सकते हो. यार most recommendable है, अगर आपने first part नहीं देखा है तो पहले उस part को जाके देखो, फिर second part पे आओ ताकि आपको video completely समझ में आ सके. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था यार कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आवाज कैसे निकलती है. हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की थी कि आवाज कैसे निकलती है, वाइब्रेशन क्या होता है, और साउंड और वाइब्रेशन का क्या कनेक्शन होता है. ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था. अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमंस, कि जो इंसान, हम इंसान जो आवाज निकालते हैं वो कैसे निकाल पाते हैं, क्यों निकाल पाते हैं यार, कौन सी ऐसा मशीन हमारे अंदर फिट है कि हम इंसान आवाज निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे. तो यार लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और अगर नए विजिटर हो हमारे चैनल पर यार तो चैनल को रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन. स्पीक लाउडली फॉर अ व्हाइल और सिंग अ सॉन्ग. क्या करो ना यार, कुछ देर तक ना तो तुम थोड़ा तेज से बोलो, या ऐसे गाना गाओ ला 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 ला, या बज लाइक अ बी, या मधुमक्खी की तरह गुनगुनाओ. अब इतना करते टाइम तुम्हें करना क्या है, पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज सोन इन फिगर 13.8. जैसे इस फिगर 13.8 में जैसे दिखाया गया है ना, वैसे अपने गले पर फिंगर्स रख लो. ठीक है, अब क्या करना है आपको, डू यू फील एनी वाइब्रेशन. अपना जो फिंगर है वो जब अपने गले पे रखोगे ना यार, तब बोलो, आप कुछ भी बोलो. बोलते टाइम क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है? सिंपल सी बात है, वाइब्रेशन फील हो रहा है. ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिनेक्स. इंसानों में ना यार आवाज एक मशीन, एक जैसे मोबाइल में आवाज कहां से निकलती है, स्पीकर से निकलती है, सेम इंसानों के अंदर से आवाज कहां से निकलती है, वॉइस बॉक्स से, या जिसे हम लैरिनेक्स भी कहते हैं. अब ये वॉइस बॉक्स कहां पर होता है, पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो. क्या करो यार ना आप, जैसे इस बंदे ने जैसे अपनी उंगली अपने गले पर रखी है ना, सेम आप भी क्या करो, अपनी उंगली को, पुट योर फिंगर ऑन द थ्रोट, अपने गले पर रखो. जब आप गले पर रखोगे ना तो आप देखोगे कि एक बहुत ही हार्ड, एक कड़ा सा उभरा हुआ एक बोन है जो कि मूव करता है जब आप कोई चीज अंदर स्वेलो करते हो, जब आप कोई चीज अंदर निगलते हो तो वो बोन मूव करता है. उसी बोन को, इसी पार्ट ऑफ बॉडी को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. क्या आप पहचान पा रहे हो वॉइस बॉक्स को, अपने गले के ऊपर अपने दोनों उंगलियों को रखो और कोई चीज निगलो, पानी पियो या कोई चीज निगलो, आप देखोगे कि एक हड्डी है जो ऊपर नीचे कर रही है, वही पार्ट ऑफ बॉडी हमारा वॉइस बॉक्स होता है. अब वॉइस बॉक्स कहां पर होता है, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. आप देख पा रहे हो ये जो विंड पाइप है, ये जो सांस लेने की नली है ना, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी ऊपर वाले हिस्से में हमारा वॉइस बॉक्स पाया जाता है. अब देखो वॉइस बॉक्स कैसा होता है यार, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेस्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स. टू वोकल कॉर्ड्स, ये एक वोकल कॉर्ड हो गई, ये दूसरी वोकल कॉर्ड हो गई. यहां पर कहा जा रहा है कि जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वो पूरा घिरा होता है. किस चीज से घिरा होता है, वोकल कॉर्ड से घिरा होता है. इन सच अ वे, ये इस तरीके से घिरा होता है कि इसके बीच में एक पतली सी जगह खाली रह जाती है. और ये जगह क्यों खाली रहती है, फॉर द पासेज ऑफ एयर, ताकि इस नैरो स्लिट में से, इस पतली जगह में से हवा अंदर आ सके और बाहर हम उसे हवा को छोड़ सके. हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना, तो किस चीज की मदद से लेते हैं, यही जो नैरो जगह है, ये जो पतली जगह है ना हमारे वोकल कॉर्ड में, इसी से अंदर हवा जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसी से बाहर आती है. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस बॉक्स क्या होता है, समझ गए. अब आगे पढ़ते हैं.
अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इस वॉइस बॉक्स से आवाज निकलती है, इंसान आवाज कैसे निकाल पाते हैं ये हम पढ़ेंगे। When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound। यहां पर कहा जा रहा है कि जब हमारा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बाहर, तो छोड़ते टाइम हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतनी तेज से इस वोकल कॉर्ड से टकराती है ना कि ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने लगता है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि जो चीज वाइब्रेट करने लगी मतलब उसमें से आवाज आने लगती है। तो जैसे ही ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है हमारे अंदर से, हमारे मुंह के अंदर से आवाज निकलने लगती है। अब इस वोकल कॉर्ड के बारे में आपको बता दूं यार, ये जो वोकल कॉर्ड है ये देख रहे हो यहाँ पर दो मसल्स लगे हुए हैं, एक ये मसल हो गया और एक ये जो ग्रे कलर का है ना, यही दो मसल्स इन वोकल कॉर्ड में लगे हुए हैं। ये लगभग 2 इंच लंबा मसल होता है और ट्यूब होता है ये, ठीक है, ट्यूबुलर होता है, समझ गए कि नहीं। अब आगे देखते हैं, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो वोकल कॉर्ड्स में ये मसल्स लगे हैं, ये जो ग्रे कलर के मसल्स लगे हैं वो टाइट भी कर सकते हैं वोकल कॉर्ड को, और वोकल कॉर्ड को ये लूज भी कर सकते हैं। यहां पर दो कंडीशन बन जाती है कि ये जो मसल्स लगे हैं ना इन वोकल कॉर्ड्स में, ये पूरे वोकल कॉर्ड को टाइट कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। जब ये वोकल कॉर्ड को टाइट कर देते हैं या पतला कर देते हैं तो हमारे मुंह से कैसी आवाज आती है, पतली आवाज आती है। जैसे हम ये कह रहे हैं, जैसे सुनो आप, हेलो एवरीवन दिस इज प्रेम पांडे, तो हमारी आवाज कैसी निकल रही है, पतली निकल रही है ना। क्यों निकल रही है, क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो इस समय टाइट हैं, पतले हैं, समझ गए। अब जब हम इस वोकल कॉर्ड को लूज कर देंगे, ढीला कर देंगे या इसे मोटा कर देंगे, तो जो आवाज निकलेगी ना वो अलग आवाज होगी। जैसे ऐसी आवाज निकलेगी, हेलो एवरीवन, थोड़ा सा मैनली वाइज हो जाएगी, थोड़ा सा मर्दाना आवाज हो जाएगी, समझ गए आप। चलो अब हम इस चीज को देखने के लिए यार, इस आवाज को समझने के लिए हम एक्टिविटी 13.6 करेंगे। अब देखो एक्टिविटी 13.6 में है क्या, टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। आपको क्या करना है ना, दो रबर लेना है, जैसे इस लड़की ने रबर लिया है, दो रबर लेना है, सेम साइज का दोनों रबर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, प्लेस दिस टू पीसेस वन अबव। दोनों रबर को क्या करो ना यार, एक रबर नीचे रख लो और उसके ऊपर एक रबर रख लो, उसको क्या करो आप, द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट, और दोनों रबर को स्ट्रेच कर लो, खींच लो, जैसे इस लड़की ने खींचा हुआ है, ऐसे सेम टू सेम अपने रबर को होठों के पास लगा लो। अब क्या करना है आपको, नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम। आप देखोगे कि इन दोनों रबर के बीच में ना यार एक पतला सा गैप होगा, इन्हीं गैप के बीच में से आपको क्या करना है, ब्लो एयर, हवा पास आउट करवानी है। एज द एयर ब्लोस, जैसे ही तुम उन रबर के बीच में फूकना या हवा पास आउट करना स्टार्ट करोगे, क्या होगा, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, एक अजीब सी आवाज आएगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लिट एंड होल्ड बिटवीन योर फिंगर्स। अगर आप रबर नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या करो, दो पेपर ले लो, एक पेपर को दूसरे पेपर के ऊपर रख लो और बीच में से फूकना, हवा मारना स्टार्ट करो, क्या होगा, नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड। जो दोनों पेपर के बीच में जो स्लिट है, जो खाली जगह है ना, वहां पर फूको और जो आवाज आ रही है उसको सुनो। आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर, जैसे आवाज आ रही है उन कागजों के बीच में से, इस रबड़ के बीच में से जैसी आवाज आ रही है, इस कागज के बीच में से जैसी आवाज आ रही है, सेम ऐसा ही आवाज हमारा वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा वोकल कॉर्ड कैसे फंक्शन करता है, कैसे पतली आवाजें निकालता है, कैसे मोटी आवाजें निकालता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ली गई है यार, पढ़ लेते हैं इसको। यहां पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। जो मैन होते हैं, जो मर्द होते हैं, ऐसे कह लो जो बॉय होते हैं, उनके क्या होता है, उनके वोकल कॉर्ड्स ना कम से कम 2 इंच लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं, 2 इंच लंबे होते हैं, और जिसकी वजह से जो मैन की आवाज होती है वो थोड़ा सा कड़ी होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है। जैसे हम ऐसे कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये
किसी मेन की आवाज है। ये आवाज थोड़ी सी हार्ड है। ये आवाज हार्ड क्यों है? क्योंकि जो मेन का वोकल कॉर्ड होता है वो 2 इंच लंबा होता है, समझ गए? और वहीं विमेन्स में, वहीं औरतों में क्या होता है, जो ये वोकल कॉर्ड होता है वो 5 मिलीमीटर कम होता है, मतलब केवल 1.5 इंच का वोकल कॉर्ड होता है। तो जो वोकल कॉर्ड अगर औरतों का छोटा है तो इनकी आवाज भी पतली निकलती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, बच्चों के तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो और भी छोटे होते हैं। और जब बच्चों के वोकल कॉर्ड्स छोटे हैं होते हैं तब हम बोलते हैं ना बच्चों की आवाज़ बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मीठी होती है। तो बच्चों की आवाज़ मीठी और प्यारी क्यों होती है? क्योंकि बच्चों का जो वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत छोटा होता है, समझ गए? हमारी आवाज़ सुरीली निकलती है, हमारी आवाज़ फटी हुई निकलती है, हमारी आवाज़ कैसी भी निकलती है ये किसकी वजह से होता है? वोकल कॉर्ड की वजह से होता है। अगर वोकल कॉर्ड ज़्यादा बड़ा है तो हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी मैनली वॉइस होगी, मैनली वॉइस मतलब मर्दों की तरह आवाज़ होगी। और वहीं वोकल कॉर्ड अगर छोटा है तो आवाज़ कैसी होगी? औरतों की तरह होगी। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मतलब आवाज को एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। प्रोपोगेशन का मतलब है अगर मुंह से आवाज निकलती है तो किसी के कानों तक पहुंचने के लिए आवाज को एक मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, लेकिन एक मीडियम चाहिए आवाज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करने के लिए। जैसे यार आप ही अब देख लो, आपको बनारस से दिल्ली जाने के लिए या तो ट्रेन या तो बस पकड़नी पड़ेगी कि नहीं? तो ये जो ट्रेन है और बस है ये आपका मीडियम का काम कर रही है। सेम ऐसे ही जब आवाज मुंह से निकलती है तो वो किसी ना किसी मीडियम से होकर किसी के कानों तक पहुंचती है। अब उन्हीं मीडियम्स के बारे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound travel to her? अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई दोस्त आपका दूर पर खड़ा है और अगर आप उसे बुला रहे हो, your friend is able to hear your voice. तुम्हारी आवाज तुम्हारा दोस्त सुन लेता है। ऐसा कैसे हो जाता है कि तुम दूर से अपने दोस्त को बुला रहे हो और तुम्हारा दोस्त आवाज को सुन ले रहा है? कैसे ये ऐसा हो रहा है? चलो इसको जानने के लिए हम एक्टिविटी 13.7 देखेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। आपको क्या करना है, एक ग्लास का, एक शीशे का आपको क्या लेना है, ग्लास लेना है। उसके बाद क्या करना है, याद रहे कि ये जो ग्लास है वो बहुत सूखा रहे, इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना रहे। अब आपको क्या करना है, इस ग्लास में आपका अपना फोन जो है अंदर डाल देना है। याद रहे जब भी आप फोन ग्लास के अंदर डालो ना तो ग्लास के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फोन क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू द रिंग केयरफुली। अब अपने दोस्त से कहो ना कि आपको इस फोन पर, इस फोन नंबर पर कॉल करे, और जब आपका दोस्त फोन करे ना तो जब आवाज निकलने लगे तो उस आवाज को सुनो कि ग्लास के अंदर फोन रखने से कैसी आवाज आती है। अब आपको क्या करना है, नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स। अब क्या करो ना, ये पूरा जो मुंह है ना ये ग्लास का, उसको ढक लो। कैसे ढक लो, अपने हाथों से ढक लो। उसके बाद क्या करो, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। जैसे इस लड़के ने क्या किया है, इस लड़के ने अपने दोनों हाथों को ग्लास के मुंह पर रखा है, फिर ग्लास को अपने मुंह में लगा लिया है। सेम आपको ऐसा ही करना है। और उसके बाद क्या करना है, जब आप ऐसा कर लो ना तो अपने फ्रेंड को इशारा कर दो कि आपका फ्रेंड उसी नंबर पर दोबारा फोन करे। Listen to the ring while sucking air from the tumbler. जब इस बार आपका दोस्त फोन करे ना, क्या करो, सेम जैसे ये लड़का कर रहा है वैसे उस ग्लास से हवा को सोखने की कोशिश करो, सक करने की कोशिश करो। अब जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, Does the sound become fainter as you suck it? क्या आवाज धीरे धीरे हल्की होती जा रही है जैसे जैसे तुम हवा को सोखते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम अपने मुंह से हवा को सोखते जा रहे हो,
तुम देखोगे ना कि आवाज उतनी ही धीमी होती जा रही है। ऐसा क्यों है, चलो हम इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ। अपने मुंह से क्या करो, ग्लास को नीचे निकाल दो। अब फिर अपने दोस्त से कहो कि आपको फोन करे, क्या आवाज तेज हुई? जितना मुंह में हवा खींचने के टाइम जितनी आवाज आ रही थी, क्या उससे आवाज कहीं तेज हुई कि नहीं हुई है? तो इस एक्टिविटी से यार हमने ये जाना कि जब हम ग्लास से एयर का अमाउंट कम कर रहे थे तो आवाज भी धीरे धीरे कम हो रही थी, और वहीं पर जब एयर का अमाउंट पर्याप्त था उस ग्लास में तो आवाज उस ग्लास से एकदम मस्त आ रही थी, लाउड आ रही थी। मतलब साउंड को एयर में ट्रेवल करने के लिए हवा चाहिए ही चाहिए, बिना हवा के साउंड हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, यही इस एक्टिविटी में हमने सीखा। अब चलो आगे देखते हैं, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों हुआ, क्यों जब आपने मुंह में ग्लास लगा के हवा को सोखना स्टार्ट किया, सक करना स्टार्ट किया, तो क्यों उस फोन से आवाज आना कम हो गई? और जैसे ही आपने ग्लास को नीचे उतार के रख दिया तो उस फोन से आवाज तेज हो गई, ऐसा क्यों होता है? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या तुम इसका कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि ये क्यों होता है? अब चलो मैं बताता हूं क्या होता है। शायद Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? आपने ध्यान दिया होगा यार, जैसे जैसे उस ग्लास से मुंह लगाकर आप हवा को अंदर सोख रहे थे, मतलब जैसे जैसे हवा उस ग्लास में कम होता जा रहा था, वैसे वैसे फोन से आवाज कम होती जा रही थी। तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? मतलब जितना कम हवा उतना कम आवाज, जितना ज्यादा हवा उतना ज्यादा आवाज। तो हमें इससे कुछ ना कुछ तो पता चला ना कि जहां पर एयर है केवल आवाज वहीं तक पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि भैया आवाज को पहुंचाने वाला जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो क्या है, एयर है। जब एयर ही नहीं रहेगा तो आवाज एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचेगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यहां पर बताई गई है कि जैसे ही यार ये लड़का या जो तुम हो, जैसे ही तुम ग्लास से हवा को अपने मुंह के अंदर खींच रहे हो, आप देखोगे एक ऐसा समय आएगा ना जब उस ग्लास में बिल्कुल हवा नहीं रह जाएगी। तब क्या होगा, जो आवाज अब धीरे धीरे आ रही थी ना, वो बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सारा हवा तो आपने अपने मुंह के अंदर सोख लिया, ग्लास में तो हवा है नहीं। तो जब हवा नहीं है, जब मीडियम कोई नहीं है, तो आवाज कैसे आएगी? मतलब हमें यहां पर फिर वही पता चलता है कि आवाज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने में मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम का काम कौन कर रहा है, एयर कर रहा है। तो नो एयर नो साउंड, समझ गए, एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। आखिरकार हमें बता ही दिया गया कि जो आवाज है ना, आवाज को एक मीडियम चाहिए। जैसे हम बस, गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन से चढ़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही आवाज को एक मीडियम, एक बस, गाड़ी और ऐसी चीज चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह तक उसे पहुंचा दे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मीडियम में से कोई भी मीडियम हो सकता है जो आवाज को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा सकता है। समझ गए, when air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. जब ये जो ग्लास है, जब इस ग्लास में से पूरी तरीके से हवा को हम अपने मुंह के अंदर सोख लेंगे, तो हम इस ग्लास को क्या बोलेंगे कि इस ग्लास में बिल्कुल भी एयर नहीं रह गया है, या ये ग्लास जो है वो खाली है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब जानते हो, जहां पर बिल्कुल कुछ भी ना हो, ना हवा, ना पानी, ना कुछ भी ना हो, जहां पर, उस जगह को हम वैक्यूम कहते हैं। तो ग्लास से जब हम सारी हवा अंदर सोख लेंगे तो वो जो ग्लास होगा वो खाली हो जाएगा, वो जो ग्लास है वो वैक्यूम हो जाएगा, और द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। और जब ग्लास खाली हो गया
तो आवाज तो आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत है, लेकिन ये जो ग्लास है इस ग्लास में कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना पानी है, ना सॉलिड है, कुछ भी नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है। तो जब कोई भी मीडियम नहीं है तो आवाज ट्रेवल नहीं करेगी। चलो आगे देखते हैं। डस साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। हमने ये देख लिया कि हवा की वजह से आवाज हमारे मुंह से निकलती है और किसी के कानों तक पहुंचती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या लिक्विड्स में से भी आवाज आ सकती है, मतलब अगर हम पानी के अंदर अपनी कान लगा के सुने तो क्या कोई आवाज आएगी हमें, यही इस एक्टिविटी से हम पता करेंगे। एक्टिविटी 13.8, इस एक्टिविटी में क्या है, आपको क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है या नहाने वाला टब लेना है, जैसे इस बंदे ने लिया है। उसके बाद क्या करना है, फिल इट विद क्लीन वाटर, इसमें ना साफ पानी भर दो। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, जैसे इस लड़के ने क्या किया है, इस लड़के ने एक हाथ में एक बेल लिया है और अपना एक कान पानी से ऊपर रखा है ताकि इस बेल की आवाज वो सुन सके। अब क्या करो, बेल बजाओ, और ऐसे बजाना कि ये बेल जो है ना वो इस टब के दीवालों में कहीं भी लड़े ना, ठीक है। अब बेल को बजाओ और फिर अपना कान लगा के पानी में सुनो, क्या कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वॉटर सर्फेस, आपको क्या करना है, अपना कान पानी के सतह पर लगाना है। याद रहे कि पानी के अंदर अपने कान को ना डाल लेना, क्योंकि कान के अंदर पानी चला जाएगा और आपका कान खराब भी हो सकता है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, जब आप पानी के अंदर से बेल बजा रहे हो तो क्या तुम बेल की आवाज को सुन पा रहे हो पानी के बाहर। हाँ, सुन पा रहा हूं। आप ऐसा करके देख लेना कि पानी के अंदर कोई आवाज करो और उसको बाहर से सुनने की कोशिश करो, क्या आवाज सुनाई देती है। हाँ भैया, आवाज सुनाई देती है। Does it indicate that sound can travel through liquids? अब हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, हमें इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि भाई जो आवाज है ना वो पानी के अंदर लिक्विड के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। हमने पढ़ा कि जो आवाज है वो एयर में ट्रेवल करती है, हमने पढ़ा कि जो आवाज है वो वाटर में भी ट्रेवल करती है, हमने इस एक्टिविटी से देख लिया। अब हमें क्या देखना है, अब देखो यहाँ पर पहली कुछ कह रही है, पहली कह रही है कि ओह दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। पहली को अब समझ में आया कि पानी के अंदर जो वेल्स होते हैं, जो डॉल्फिन्स होती हैं, वो शायद अपने से एक दूसरे से बात ऐसे ही करते होंगे पानी के अंदर, और उन्हें आवाज ऐसे ही सुनाई देती होगी। तो ये पहली बस गेस कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन्स और जो वेल्स हैं वो एक दूसरे से बात तो करते नहीं है भाई, बात करते भी होंगे तो हमें नहीं सुनाई देता है क्योंकि वो अपनी आवाज में करते हैं। चलो आगे चलते हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो, हमने पढ़ा कि जो साउंड है, जो आवाज है, वो हवा में एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। हमने पढ़ा कि जो आवाज है वो लिक्विड्स में भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या जो आवाज है वो सॉलिड्स में भी ट्रेवल कर सकती है, क्या किसी सॉलिड के एक एंड से दूसरे एंड तक आवाज ट्रेवल कर सकती है कि नहीं कर सकती है, यही हम इस एक्टिविटी 13.9 में जानेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड। आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि ऐसा वाला स्केल आता है जिससे आपके टीचर मारते हैं अपने क्लास में, ऐसे मेटल का ये आता है ना स्केल, आपको क्या करना है, ऐसी लंबी सी स्केल लेनी है और क्या करना है, ऐसे एक लड़का जैसे किया है इसने अपने कान में स्केल को लगाया है, और एक लड़का क्या कर रहा है, अपने हाथ से स्केल के दूसरे एंड को स्क्रैच कर रहा है, खुरच रहा है। अब देखो, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आपको इस स्क्रैचिंग की, इस खुरचने की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। Ask your friends around you if they were able to hear the sound. अब देखो, जब ये लड़का अपनी उंगली से यहां पर खुरचेगा ना तो आपके कानों तक बहुत तेज आवाज पहुंचेगी खुरचने की। तो हमें इससे पता चलता है कि जो आवाज है वो सॉलिड्स से भी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब सॉलिड भी वो मीडियम हो सकता है जिसकी वजह से आवाज
एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सकती है। अब आपको क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड इफ दे वर एबल टू हियर द साउंड। अब अगल बगल अगर कोई फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो, तो उससे पूछो कि क्या वो भी आवाज सुन पा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, वो आवाज नहीं सुन पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने कान में लगाया है तो केवल आप तक सुनाई देगा, ये हर जगह नहीं फैलेगा, इतनी तेज आवाज नहीं होती है। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द एबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट द वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। यहां से यहां तक क्या बताया गया है, जो स्कूल वाला टेबल होता है ना यार, अबे ऐसे स्कूल में बेंच होता है आपने देखा है, अपना कान उस बेंच के ऊपर रख दो और क्या करो, अपने हाथ से ही उस बेंच पर क्या करो, कुछ बजाओ, टिंग टड़का ऐसे बजाओ। अब देखो कान में आवाज आ रही है, यस आ रही है। हमें इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है यार कि साउंड जो है ना वो सॉलिड्स से भी ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि ये जो टेबल है, ये जो स्केल है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है, और इन दोनों में आपने देखा कि आवाज आ रही है। ये एक्टिविटी अब बहुत आसान है, ये जो फिगर है ये वाले देख रहे हो आप, ये बहुत आसान है यार। अपने स्कूल में जाना, वहां पे डेस्क होगा, बेंच होगा, और अपना कान उस बेंच और डेस्क के ऊपर रख देना, उसके बाद खुद के हाथ से ऐसे 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 आवाज करना, देखना कोई आवाज आ रही है आपके कानों तक। हाँ आ रही है आपके कानों तक। तो हमें इससे क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि भाई जो बेंच है वो सॉलिड है, और सॉलिड्स में से भी जो साउंड है वो ट्रेवल कर सकती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। हमने अब तक ये जाना कि जो आवाज है वो लकड़ी के भीतर से भी आ सकती है, वो किसी मेटल, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, इन सभी चीजों से साउंड ट्रेवल कर सकती है। और यहां तक कि हमने क्या जाना कि इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। जो आवाज होती है ना वो दुनिया की कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो गया, चाहे वो मेरा फोन हो गया, चाहे वो टेबल हो गया, चेयर हो गया, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट से आवाज ट्रेवल करती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू सो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। आपको क्या करना है ना, आप बहुत मजेदार मजेदार एक्टिविटीज कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा ना कि जो आवाज है ना वो इस धागे से भी ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है, Have you ever made a toy telephone? क्या आपने ऐसा टेलीफोन कभी बनाया है? हाँ यार बहुत आसान है, आपने कभी ना कभी तो बनाया होगा। क्या करो, दो प्लास्टिक का ग्लास लो, एक ये प्लास्टिक का ग्लास लिया है, एक ये प्लास्टिक का ग्लास लिया है, इसको ना ऐसे बांध दो, दोनों को एक धागे से बांध दो, और एक बोलो और एक सुनो, देखो आवाज आ रही है। हाँ भाई आवाज आ रही है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो साउंड है ना कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग्स। जो आवाज है वो धागों में से भी एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर हो सकती है। चलो अब आपने ये बच्चों वाला जो टेलीफोन है वो कभी ना कभी तो बनाया ही होगा यार, अगर नहीं बनाया है तो अभी बना लो। वी हैव लर्न्ड सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। हमने बहुत पहले ही पढ़ा है कि जो चीज वाइब्रेट करती है वही चीज आवाज करती है। जैसे हमारा फोन वाइब्रेट करता है तभी आवाज करता है, हमारा गला वाइब्रेट करता है तभी हमारे मुंह के अंदर से आवाज निकलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमें आखिरकार हमने ये जाना कि जो चीज वाइब्रेट करती है केवल उसी के अंदर से आवाज निकलती है। एंड इट इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शन। और अगर एक बार आवाज मुंह के अंदर से निकल गई, या किसी भी चीज से अगर आवाज निकल गई, चाहे वो फोन से आवाज निकल रही हो, चाहे वो हमारे मुंह से आवाज निकल रही हो, कहीं से भी आवाज निकल रही हो, वो हर दिशा में फैल जाती है। और फैलती किसकी वजह से है, मीडियम की वजह से फैलती है। जो हमारे अगल बगल हवा है, जो हमारे अगल बगल एयर है ना, वो हमारी आवाज को चारों तरफ फैला देता है। हाउ डू वी हियर इट। अब हमने ये जाना यार कि हमारी जो आवाज है वो मुंह से निकल जाती है और हर डायरेक्शन में फैल जाती है, लेकिन हम इस हवा को, इस आवाज को सुनते कैसे हैं? अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13.4। अब इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम जानेंगे कि वी हियर साउंड थ्रू आवर
ईयर्स हम अपने कानों से आवाज सुनते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है यार, अपने कानों से ही तो आवाज सुनेंगे ना, लेकिन कान के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम आवाज सुन पाते हैं? चलो अब ये भी देख लेते हैं हम। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल, जो हमारे कान का बाहरी हिस्सा होता है ना, वो एक फनल की तरह होता है। आपने कभी मिट्टी का तेल डालने वाला कुप्पी देखा है, फनल देखा है? सेम उसी के आकार का हमारा कान होता है बाहर से। अब आपको क्या करना है, व्हेन साउंड एंटर इन इट, जब आपके कान के अंदर कोई भी आवाज जाती है, इट ट्रेवल डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेस्ड टाइटली। चलो मैं आपको ईयर का फिगर दिखा देता हूं। यहां पर ईयर का फिगर है, ये कह रहा है कि ये देखो, ये ईयर का बाहरी हिस्सा है, ये कान का बाहरी हिस्सा है। जब कोई भी आवाज आपके कान के बाहरी हिस्से में इंटर करती है, प्रवेश करती है, तो एक कैनाल होती है, ये जो पाइप होती है, इस पाइप से होते हुए ये आवाज कहाँ जाती है, ये जो येलो कलर का मेम्ब्रेन लगा है ना, ये येलो कलर की एक परत लगी है, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं या ईयर ड्रम भी बोलते हैं इंग्लिश में, यहां तक ये आवाज पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, वो जो ये जो मेम्ब्रेन हम देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का, इसी मेम्ब्रेन को, इसी परत को हम कान का पर्दा कहते हैं या हम ईयर ड्रम कहते हैं। अब ईयर ड्रम का काम क्या होता है, इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो ईयर ड्रम होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, वो कौन सा काम होता है, टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अब चलो इसको समझने के लिए ना हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 13.10। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है यार, मैं आपको बता देता हूं, एक प्लास्टिक का या टिन का आपको एक डब्बा लेना है, जैसे इसने लिया है, देख रहे हो डब्बे को, डब्बे को ऊपर से भी काट दो और डब्बे को नीचे से भी काट दो। अब क्या करना है आपको, आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है, उस ऊपर वाले हिस्से में गुब्बारा लगा देना है, जैसे देखो इस बंदे ने भी गुब्बारा लगाया है, येलो कलर का गुब्बारा है, ऊपर से ढक दिया है, सेम ऐसे आप भी ढक दो। उसके बाद क्या करो, दो चार चने का जो दाना होता है, या मूंगफली का दाना होता है, या गेहूं का दाना हो गया, वो उस बलून के ऊपर रख दो। अब नीचे से क्या करो, आवाज करो, देखो ये जो रबड़ के ऊपर ये जो ग्रेन्स हैं, क्या ये जंप करते हैं? ये क्यों जंप करेंगे भाई, ये इसलिए जंप करेंगे क्योंकि जब हम मुंह के अंदर से हवा फूंक रहे हैं, तो ये हवा इस रबड़ तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से इनमें वाइब्रेशन हो रही है। सेम इसी तरीके से हमारे कान के अंदर की चीजें होती हैं। कैसे, मान लो जहां से ये आवाज आ रही है, ये कान का ऊपरी वाला हिस्सा हो गया, बाहर का हिस्सा हो गया, ये कान का पाइप हो गया, जहां से आवाज अंदर इस कान के पर्दे तक पहुंच रही है। अब इस बलून को मान लो कि ये कान का पर्दा है, ठीक है, तो जो ऊपर रखी हुई चीज है वो वाइब्रेट करती है, जिससे आवाज हम सुन पाते हैं। चलो तो ईयर ड्रम के बारे में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा यार, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।